क्या बात है, जब तक मैं आया तब तक मैंने देखा कि भाई साहब यहाँ तो हमला शुरू हो चुका है सबने। हाँ मैं लेट हो गया, तब तक यहाँ तो सिड्डू खत्म भी हो गए, दो दो सिड्डू खा लिए बंदों ने तब तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लेख व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज हम लोग घर पे ही है, आज है हमारा रेस्ट डे और दिलाईक निवास हमारा फुल हो चुका है, काफी सारी फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा आज क्या होने वाला है, उसके लिए आपको ये पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। वैसे तो क्रिसमस के टाइम बर्फ पड़ती थी, पर अब देखो एकदम साफ मौसम है। आप सभी को तारा देवी माता के दर्शन, जय हो तारा देवी माता। ओ जनाब गुड मॉर्निंग, आप उठ गए, कितना टाइम हो गया है? हाँ हाँ देखा मैंने। जय हो बेटो, कहाँ है जे हो? लो जे को आवाज आ चुकी है कि इसको आवाज मार रहे। तो लक्ष्य भी उठ चुका है सुबह सुबह। मॉर्निंग, कैसे है आप लोग? टाइम से सो गए थे? तो लेट आए ऊपर से। हाँ हम लोग फिर थोड़ा वैसे बैठ गए थे ना ऑलरेडी, वहाँ से लेट हो गए, फिर रात को खाते हुए लेट हो गए, फिर सोते हुए फिर बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो जे शो देखने नेहा भी आ गई सुबह उठ के बाहर, क्योंकि जे जो है ना वहाँ से आवाजें सुन रही है और फिर जो है ना हाँ पूंछ हिला रही है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आवाज मार कहाँ से रही है, आ तो रही है। तो आज अक्षय जी ने किचन संभाल लिया, प्लीज मेरी किचन गंदी मत करना। और नेहा ने चपातियां बोली थी इतनी खाएगी, तो मैं देख रही साइज पहले ही, हो सकता कम खाए तू। नहीं मैं 3 चपातियां खाऊंगी। पक्का? पक्का। देखो गोल चपातियों का, मोटी मत बनाना बाकी ठीक है। वो तो देख मैं नहीं बोल सकता, चपाती गोल होगी। हाँ। ये मेरी गारंटी है। एक बार आप सब्जी भी चेक कर लेना, क्योंकि सुबह मैंने सब्जी बना दी थी, चपातियां रह गई थी बस। चलो ठीक है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अक्षय ने अपनी हेल्प के लिए मनीत को बुला दिया है, इतना मुश्किल काम है। मनीत अपने काम से आया था तो मनीत को भी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि चार्जर पे अब फेस लग चुका है ना। हाँ मनीत है ना अक्षय की तरह ही पूरा का पूरा बड़े बड़े दांत वाला। अब हम ऐसे ऐसे पोज करना चाहिए। हाँ मैंने तो अपने काम से आया था, उसे फोन लेना था तो बस वो अक्षय से डिस्कस करने आया था। हाँ। पर अब देखते हैं देवर जी कौन सा फोन लेते हैं। महंगा ही लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी ने मुझे देवर जी। अच्छा मेरे सारे तो छोटे देवर है, मैंने बोला दो ही मेरे छोटे देवर, नहीं दो उज्जवल शिवम भी छोटे ही है, सारे देवर छोटे, मतलब अक्षय सबसे बड़े है। क्यों आप सबसे बड़े? किस्मत है आपकी। तो जी कंप्लीट हो चुका है मेरा काम, ये है नेहा का चार्जर, ये मेरा, काफी अच्छा लग रहा है। तो जी अपना लंच टाइम हो चुका है, तो नेहा को मैंने काम पे लगा दिया है, क्योंकि अभी तक हमारी फोटोज जो है ना फाइनल नहीं हुई है, तो आज हमने सोचा है कि पूरी फाइनल कर देंगे और समय भी मिला है। करो करो डांस करो, अच्छे लग रहे थे। डांस थोड़ी ना था। आज मेरा पूरा रेस्ट डे है, रेस्ट तो मेरे को फिर भी नहीं मिलता है, मेरे को ये काम करने में लगा रखा है। अक्षय लंच बना रहे हैं, खैर मैंने तो खाना नहीं है अपने लिए तो पापी पेट का सवाल है। तो नेहा ने खा लिया। हाँ मैंने बाड़ी खा दिया था कुछ खाने को, तो अब मैंने सोचा कि भाई अब हम भी थोड़ा खा ले, भूख लगी है। आज ना फैमिली मेंबर्स सारे ना अपने अपने काम से सब गए, क्योंकि आज शाम को डिनर है चाचू के घर। गए? हाँ वो मार्केट गए चाचू चाची। अच्छा अच्छा। और शिवम उज्जवल अभी यही है और हम लोग यहाँ पे, तो आज डिनर उज्जवल, मतलब आज बोलने का मतलब ये कि इस बिल्डिंग में मैक्सिमम लोग हैं, इस बिल्डिंग में मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स हैं। हाँ। तो आज डिनर भी है, पिछले कल छोटे चाचू के था दिव्यम के पापा के घर पे, आज है दूसरे चाचू के घर में उज्जवल के घर पे। नहीं तो ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली खाली लगती थी, बट आज फुल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग में सब लोग है, इधर उधर ऊपर नीचे सब लोग, अच्छा लग रहा है। और पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने गए थे, प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो चुकी है और अब बहुत अच्छा लग रहा है। जो आप गेस कर रहे हो, आपका इंतजार जो है ना बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, तो हम बहुत ही जल्दी आपको बता देंगे। तो जी बाहर अंधेरा हो चुका है और शिवम उज्जवल के घर में आज है सबका डिनर। पूछता हूँ, देखता हूँ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उज्जवल भाई तो यहाँ पे, ओ बाबरे कितने लोगों का खाना बन रहा है, 50?
पता नहीं यार, मेरे को बस ये बोलना कि सारे लहसुन छील ले, बाकी कुछ नहीं। मिनी पार्टी तो उज्जवल ने तैयार कर दी है। कब से बेचारा देखो मेहनत पे लगाया है, प्याज लहसुन है ना, आधा खाना भी बेचारे ने बना दिया होगा। अच्छा ठीक है, छोटे मोटे काम होता है बस। तो मम्मी आप कब आए वापस, आप काफी पहले चले गए थे। अभी आए आप? अच्छा हाँ, अरे मैं ना फोटो सिलेक्ट कर रहा था, फिर मेरे को अचानक से ऐसी नींद आई ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो अब इतने लोगों ने इवेंट इवेंट बोल बोल के मेरे को ऐसा कर दिया कि मेरे पास कपड़े नहीं है। नेहा हम लोगों ने एक भी बार ट्राई नहीं किया कि हमने पहनना क्या है। सही में नहीं किया, तभी मैं बोल रही हूँ कि इधर भी उधर भी इवेंट है, मैंने तो ट्राई किया, मेरे को पता ही नहीं कि मैंने क्या पहनना है। आपका वो सूट बन गया जो आपने अभी, मैंने सूट सिलने को दिए हैं दो ऐसे, अब टेलर का कॉल आया था अभी कि आपके सूट बन गए, पर आज हम जा नहीं पाए, कल हमने संजौली जाना है, तो मेरा सूट तो मुझे आ जाएगा। मुझे एक आइडिया है, मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरे पास पड़ा है ना उसमें से पहले देख लेते हैं। हाँ वो, और मैं उसी में से देख लेता हूँ, अब इतने कम टाइम में तो कुछ अगर बनाएंगे भी तो वो फिर मजा नहीं आएगा, और मैं चाहता भी नहीं, मैं वही पहन लूंगा। थोड़ी देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए ठीक है। हाँ। कोई अच्छा सा वो पहन के, एक काम करो आप ये बैठो, मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। और अक्षय 1 घंटा इसमें लगाएंगे, मेरे को पता है इनका, जब तक खाना तैयार होना। डेजी दी तभी गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारे बारे में ना ऐसा होता है कि जब भी हमें कुछ भी इनको दिखाना है कि बता दो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और जब इनकी डर आती है, मुझे शादी के टाइम पता है, ये कम से कम आधा एक घंटा पूरे पूरे आउटफिट शूज से लेके पूरा दिखाते हैं कि देखो, तो दूसरे बंदे को क्यों पकाते हो फिर? तो तुम बताओ, जो तुम बोलोगे वो काम कर लो। चलो कर लो, ये काम भी जरूरी है क्योंकि कल या परसों रह गया फिर, तो इसलिए मेरे जी में टॉफी थी, मेरे को गुन्नू ने टॉफी दी थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल पिघल गई है। तो भाई कुछ अटैची अपनी यहाँ पे है, तो इतना सामान है कि घर पे नहीं आ रहा था, तो हमने अटैची में रख दिया, तो इस वाली अटैची में जाके सामान होगा, मैं ये निकालता हूँ, देखता हूँ कुछ पहनने के लिए है भी है कि नहीं मेरे पास। हाँ जी सर, तो फिर मैंने तो सोच लिया है मैंने क्या पहनना है, अब आपको पसंद आए चाहे ना आए, तो मेरे पास बेस्ट वही है। नहीं चलो, आपको आपको अच्छा लगना चाहिए, मुझे कोई इशू नहीं है, थोड़ा अच्छा दिखने चाहिए ना यार, जो भी फंक्शन आ रहा है तो उसके लिए अच्छा दिखने चाहिए। जब भाई मैंने तो सच बताऊं ऐसा कुछ अच्छा कुछ नहीं, मैंने बहुत वार्म सा सूट लिया है क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ ठंड है, तो फैशन के चक्कर में बीमार नहीं होना है, तो बाकी उस दिन देखते हैं कैसा लगता है। इसको भी ट्राई कर सकता हूँ किसी के साथ, ये भी कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बताया था ना पिछले आधे घंटे से मैं इनको ऐसे ही देख रही हूँ शीशे के पास, मम्मी पापा से भी बात हो के मेरी, मतलब 15 मिनट उनसे भी बात हो गई है, पर ये फिर भी शीशे के आगे खड़े। अब तो हो गया, अब तो मैं चेंज कर रहा। नहीं मैं बोल रही थी, मैं कोई ब्राउन वाला भी दिखा दो पहन के, क्या पता वो अच्छा लगे। चलो ब्राउन वाला ट्राई। इतना पॉज क्यों लिया? क्योंकि ब्राउन वाला हमने पहना है ना काफी बार, तो इसलिए मैं सोच रहा था। नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पहनो, पर मेरा ये था कि ये थोड़ा पतला है, आपके पास और भी बहुत से कोट ब्राउन और पतला है, इसमें कम से कम ठंड तो नहीं लगेगी, ब्लेजर और भी मोटे वाले है ना, बाकी आप देख लो। तो अभी मैं जा रहा हूँ मनीत के घर, क्योंकि मनीत दिन में आया था, उसे फोन लेना है, तो पूछता हूँ कि कहाँ तक बात पहुँची है, कौन सा फोन फाइनल हो रहा है। तो मैं यही पूछने आया था कि मनीत के फोन का डिसाइड हुआ कुछ की नहीं। It is up to Manit whether he is interested to get new phone or not. Manit, आप क्या बोलते हैं? और we have already made up our mind to give him phone. It's on. तो मैं तो अगर इंटरेस्टेड नहीं होता तब फिर कैसे हो जाता। मनीत सेकंड ईयर में भी हो चुका है और कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो, और अच्छे नंबरों से भाई पास हो चुके हैं फर्स्ट ईयर MBBS का, फिर आप पूछोगे क्या कर रहे हैं। हाँ अरे क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये पढ़ने में, इसकी टीचर्स भी, एक दिन रमा मैडम मिले ना मुझे मॉल पे, तो बोलते हैं इनके बच्चे बड़े संस्कारी बच्चे, संस्कार बड़े है बोल कहते हैं, इनके बच्चों ने कभी जवाब तक नहीं दिया, छोटे वाला कहते पढ़ता नहीं था वो पर संस्कारी बड़े। दिव्यम क्या कहना है आपका इस बारे में? दिव्यम जी ने एकदम कर दिया, कट कर देना पर ये रहेगा ताकि आप पढ़ो। तो अब मनीत पास हो गया तो भाई बनता है एक अच्छा सा फोन, और सेकंड ईयर भी है।
मरीज के साथ एक हमारा कंडीशन का है या फिर वो की बगैर इसने बेटा नहीं मुझे तो याद नहीं है, इसने बोला कि मामा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। लो सर आपका काम डन हो गया। वाह थैंक यू सो मच। तो कल मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चलो ठीक है, जो आपने एक चीज मांगी है उसके लिए मिल जाएगा। उसके लिए क्या मिलेगा? सोर्स मिल जाएगा उसके लिए। मैंने क्या? अच्छा चलो ठीक है, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि मेरे को भी बहुत टेंशन थी इसकी। हो गया, अब कल हमसे पेन ड्राइव देंगे और भाई हमें 10 दिन में पूरा काम करके दे दो। बिल्कुल, और वीडियोस अगर होगी होगी तो वो ले लेंगे। हाँ देखे तो सही यार, पता ही नहीं है, 2-3 महीना लग गया शादी को। तो हम लोग खुद जाएंगे इसको देने? कल बाहर तो जाना ही है तो हम खुद ही चल जाएंगे, क्योंकि मुझे फोन में भी 2-4 फोटोज लेनी है। चलो ठीक है देख लेंगे, नहीं तो भैया जाते हैं उनके पास। नहीं नहीं खुद ही चलेंगे। ठीक है, क्या बात है, वाह आपको तो बढ़िया एक वो काम दिया हुआ है, मूली काटने का। सैलेड काट दिया आपने सारा? देखो हम आ गए, हमें बताओ क्या करना है। ये सिड्डू बन रहे, क्या बात है, मीठे सिड्डू, मीठे गुड्डू, मीठे गुड्डू, मीठा पसंद करते तो आज ये स्पेशल दावत जो है पिंकी मम्मी ने अपने घर पे रखी है। तो सिड्डू खाए हुए, वैसे काफी गैप भी हो गया था गांव के बाद। तो चाचू आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपके घर में इतने सारे लोग, आपने बैक टू बैक थर्ड डे हो गया हम लोगों को मेहमानी का। सर्दियों का सभी गाँव में चलता है ये मेहमानी। हाँ जी हाँ जी, तो चलो वी आर एंजॉयिंग सेम फंक्शंस हियर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जो कि गांव में करता है ना। हाँ जी ठीक है, हम इकट्ठे हो गए, हम भी कर रहे हैं सेलिब्रेट। बिल्कुल, और हमारे गांव में भी त्योहार है चले हुए ना, मेहमानी जिसे बोलते सर्दियों की। ये क्या बात है चाचू, वेलकम वेलकम। आज तो सिड्डू स्पेशल है ना हमारा। हाँ गांव में भी आज सेलिब्रेशन रहता है, त्योहार है हमारे ना। हाँ जी, तो सिड्डू सेलिब्रेशन इसलिए किया है। बिल्कुल, और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उसको यहाँ पे जिंदा रखे अपने कल्चर को। गांव तो नहीं जा सके तो कम से कम यहाँ पे तो करें। कुछ रीजन ना जिस कारण हाँ जी जा सके, अदरवाइज जाना था। बिल्कुल, पिछले कल माता का शांत कहते हैं हमारे जागरण जो होता है, अच्छा वो था, लेकिन उसमें हम नहीं जा पाए, तो छोटी सी सेलिब्रेशन हम सोच रहे हैं कि यहाँ ही कर ले। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, चलो आओ। क्या बात है, जब तक मैं आया तब तक मैंने देखा कि भाई साहब यहाँ तो हमला शुरू हो चुका है सबने। हाँ मैं लेट हो गया, तब तक यहाँ तो सिड्डू खत्म भी हो गए, दो दो सिड्डू खा लिए बंदों ने तब तक। और रहो आप, आपको कुछ नहीं मिलना, देखो कैसे कैसे बने हैं। तब तक खत्म हो जाएंगे, कैसे बने गाइस सिड्डू? करो यार गाइस टेस्ट, अच्छे बने। नेहा दाने का, दाने का तो अपने पास मांस क्या नहीं खाएगी मम्मी, सिर्फ दाने का। ऐसा करो हाफ मीठा दे दो ना और हाफ दाने का दे दो, मांस का वो खाएगी नहीं। देखो भाई ठंड इतनी है कि घी जम चुका है, तो फिर से घी गर्म करना पड़ेगा। तो जी ये था हमारा आज का दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि अब सब लोगों ने खाना खा लिया, अब जाके थोड़ा जो फैमिली टाइम होता है वो स्पेंड करेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन है वो कंप्लीट करेंगे। मैं मिलूंगा आपको कल नए व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय तिलक व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।